दुनिया में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन चीन में किया जाता है। चीन में रेशम की खेती और रेशम का कारोबार प्राचीन समय से ही किया जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेशम के कीट से रेशम का उत्पादन कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि रेशम के कीड़े 2 या 3 दिन तक ही जीवित रहते हैं, और सबसे अनोखी बात यह है कि इतने ही समय में मादा कीट शहतूत की पत्तियों पे 300 से 400 अंडे दे देती है। प्रत्येक अंडे से लगभग 10 दिन में एक नन्ना मादा कीट लार्वा निकलता है, जिसे कैटरपिलर कहते हैं। फिर लगभग 30 से 40 दिन में लार्वा पहले लंबा होता है और फिर सुस्त होकर गोल मटोल हो जाता है, अर्थात बड़ा हो जाता है। अब 3 दिन तक निरंतर अपने सिर को इधर उधर हिलाकर यह अपने चारों ओर अपनी लार ग्रंथियों द्वारा पदार्थ से एक लंबे धागे का घोल बनाता है, जिसे कोया या ककून कहते हैं। वायु के संपर्क में आते ही यही धागा सूखकर रेशमी धागा बन जाता है, जो लगभग 1000 मीटर लंबा होता है। रेशम को प्राप्त करने के लिए ककून को कीट बनने से पहले ही खोलते पानी में डालकर पूर्ण कीट को भीतर ही भीतर मार देते हैं और धागे को अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से रेशम कीट से रेशम बनता है।